थर्ड मार्च से 11 मार्च का जो प्लान था हमारा, और पैरेलली जो एडवांस स्टूडेंट है जिन लोगों का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी प्लान है, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी सो दैट आप लोग रिव्यू कर सकते हो और स्ट्रेटेजी को कस्टमाइज कर सकते हो, और वीकली बेसिस में हम अपना प्रोग्रेस जो है देखेंगे, ठीक है। सो पहले हनी आप अपना प्रेजेंटेशन दो, स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। इसमें सभी लोग देखो कि कौन कैसा कर रहा है और किस तरह का एक्टिविटी के थ्रू प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। हाँ, शेयर करो पीपीटी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस कॉन्टेस्ट में मैंने 4 लाख फंड के ऊपर काम किया है। इसमें मैंने ऑप्शन में और स्विंग में ट्रेड किया है। उसमें मेरा टोटल स्विंग में प्रॉफिट है 4.29 और ऑप्शन में 2.24। दोबारा बोलो कितना था? ऑप्शन में है 2.24 और स्विंग में 4.29। ऑप्शन में मैंने निफ्टी में नेकेड और स्ट्रेटजीज पे काम किया है, और स्विंग में मैंने 5 स्टॉक में किया है, टाटा मोटर, धर्मपुर चीनी, एक्सिस, एक्सिस बैंक, रिलायंस और पावर ग्रिड। उसमें से मेरे 4 प्रॉफिट में और पावर ग्रिड में थोड़ा लॉस है। रूल्स जो इसमें मुझे फॉलो करना है, जब पेशेंट से मुझे एंट्री एग्जिट लेनी है, कई बार जल्दी एग्जिट ले लेती हूँ, उसकी वजह से लॉस भी होता है, कम प्रॉफिट भी आता है। एक्सपीरियंस गेन लिटिल बिट कॉन्फिडेंस, एनालिसिस फॉर स्विंग ट्रेड इन डिफरेंट पैटर्न। और नेक्स्ट वीक में मैं लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग में चालू करने वाली हूँ, सिल्वर माइक्रा और गोल्ड मिनी का पेपर मोड में, और करेंसी और फंडामेंटल एनालिसिस फॉर स्विंग ट्रेड करना है। चलो ठीक है। तो आपने अभी जो भी प्लान किया, पहले अपना सेम प्लान किए थे कि स्विंग ट्रेडिंग ऐसे करना है, कमोडिटी में ऐसे ही प्लान था पूरा? हाँ जी। तो लास्ट टाइम जो स्ट्रेटेजी का जो स्ट्रक्चर आपने जिस लेवल में लेना था, और ये लिखित में अभी बनाया पूरा? हाँ सर। तो ये देखो, आप फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा घबराए हुआ लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल बातें करते हो ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। जैसे कि सुबह से कल से डिस्कस कर रहे हो कि प्रेजेंटेशन बना रहे हो, पर बताते के टाइम जो आपको क्या है ना, जितना चीज से सब मिक्स करके दो ही लाइन खत्म आ रहे हैं, ठीक है। सो आपने कितना अच्छा काम किया है, तो प्रेजेंटेशन भी बढ़िया आपको साथ होना चाहिए, ठीक है। सो अच्छा है, अराउंड 4.29% भी आपने गेन किया, 2.24% ऑप्शन में भी किया है, बट कैसे आप कर रहे हो, कितना रिस्क रिवॉर्ड के साथ हो देयर, दैट आल्सो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आपका फंड का जो है ना पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो कैसे, हाँ, तो ये सब चीजें हमें अभी डिस्कस करके फिर नेक्स्ट वीक में इसको कैसे बेहतरीन बनाना है वो प्लान करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड, हनी गुड प्रेजेंटेशन, गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट कौन है? भाभी। भाभी का आज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। अभी सभी लोगों का देखो, सबका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग अलग है, ठीक है। तो सभी का कैसे क्या करना है, किसी हिसाब से इंक्लूड इंप्रूव करना है, स्लोली स्लोली हमें बढ़ना है। इसमें सर पहले मेरे पास है ना, लास्ट वीक थर्सडे तक कोई भी फंड नहीं था। हाँ। तो मेरे पास जो 10,000 जितने थे उसमें मैं स्विंग किया था खाली। हाँ। मंडे को सब स्विंग निकाल दिया मैंने। हाँ। मंडे से रियल ट्रेड चालू हो रहा है मेरा, मतलब ओके, ओके, वो हाँ। जो भी था मंडे से मैं फंड निकाल के उसमें मैंने बैंक निफ्टी, निफ्टी और कैश में काम किया है, सिल्वर माइक्रो में। ठीक है, स्ट्रेटेजी में जो कर सकता हूँ 1.5 लाख में, ये वही चीज है ज्यादा, स्टेडल ट्रायंगल बुल स्प्रेड बीएस पे, आर एंड बटन में, और कॉल पुट को शॉर्ट करना। हाँ। बाइंग मुझे समझ नहीं आता। हाँ। बाइंग नहीं होता मेरे से, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्टॉक्स। हाँ। में क्या ऑप्शन है। हाँ। उसका रिजल्ट ये, अभी जो मैं ये वीक मैंने फेस किया ना, वोलेटाइल मार्केट में डिसीजन नहीं हो पा रहा मेरे से। हाँ। कॉल या पुट क्या सेल करना है ना, कभी फंस जाता, वोलेटाइल मार्केट परेशानी। हाँ। और अभी ये वोलेटाइल मार्केट है तो कैश में स्मॉल क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ, रिस्क रेशियो फॉलो करता हूँ, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो डबल एंट्री करके
ऊपर से बाई करके या तो नीचे या तो दूसरे एंट्री वहाँ पे प्लान करूंगा, तो टारगेट वही रहेगा ऊपर का ही, रिट्रेसमेंट में बाई करूंगा दूसरा आगे एंट्री। ऑप्शन में भी डिसीजन बोला ना तो बैंक निफ्टी रेंज प्ले वो सब तो शांत मार्केट में हो जाता है वो काम, कॉन्फिडेंट और होना पड़ेगा डिसीजन लेने में। ओके ठीक है। सो बेसिकली जैसे आपने जो बोला है स्कैल्पिंग का जो टेक्निक है, आज थोड़ा सा आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ पाए, आप रेंज प्ले कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, सो दैट प्लान कर रहे हो, तो आज जैसे आपने स्टॉक में काम किया तो उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, फिर आगे वो बेनिफिट मिलेगा। और इंडिविजुअली साइलेंटली काम करने से फायदा हो रहा है या ज़्यादा डिस्कशन करके? सभी का जैसे अभी है, हनी ने अपना कुछ प्लान किए है, फिर भाविक ने प्लान किए है, बाकी सभी लोग भी प्लान आउट कर रहे हैं। सर तो मैं, मेरा जो प्लान है वो पहले जैसा ही है, जो 1.5 लाख है वो कमोडिटी और इंट्राडे में करता हूँ, फिर 4 लाख ऑप्शन स्ट्रेटेजी एंड फ्यूचर में करता हूँ, और 50,000 नेकेड करता हूँ ऑप्शन नेकेड, और 2 लाख जो स्विंग में रखता हूँ, और 1 लाख बफर फंड रखता हूँ, और मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो अल्फा बाय 50 मिनट ब्रेक और बॉन्जर बैंक के साथ, और उसमें थोड़ा मैं अल्फा बाय भी मिला दिया है अभी, वो दोनों मिक्स है मतलब मैंने किया है, और स्विंग ट्रेड के लिए चार्टिंग से निकलता हूँ, 2-3 वो है मेरे पास कैश उसमें से, और मैं फंडामेंटली देखता हूँ उसमें, और मतलब कमोडिटी में 4 ओवर ब्रेकअप और ऑप्शन में स्ट्रेडर्स एंगल 4 लेग के साथ करना हूँ। तो मेरा ओवरऑल इंट्राडे में प्रॉफिट है 1.3% 2.5 लाख पे, और ऑप्शन स्ट्रेटेजी में सर इस बार थोड़ा लॉस है क्योंकि मैंने वो ओवरनाइट कैरी कर दी थी सेट, फ्राइडे को मैंने बनाई थी और मंडे को पूरा मार्केट गैप डाउन हुआ और तो उसमें मेरा लॉस हुआ था उसमें 15,000 जैसा, तो मैंने वो फ्यूचर लेके थोड़ा सा लॉस कवर किया उसमें, और फिर दूसरी लगाई उसमें से थोड़ा कवर किया, तो 7,000 जैसा उसमें लॉस आया है। और ऑप्शन नेकेड में जो इसमें मैंने फ्यूचर मिला दिया है इसके साथ, इसलिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी में फ्यूचर नहीं रखा इसमें है, तो फ्यूचर और ऑप्शन नेकेड मिला के मेरा 6,300 हो रहा प्रॉफिट इसमें, और स्विंग ट्रेड सर नहीं हो पाया मैं इसमें, स्विंग ट्रेड मैंने नहीं किया, और ओवरऑल प्रॉफिट 2,000 हुआ सर, इतना मतलब नॉन लॉस नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में, ठीक है, मार्केट वोलेटाइल में वो जजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। सो बट आज सुबह जो आपने जो जैसे किया था ऐसे अगर आगे से करोगे तो हां सर वो प्रैक्टिस करूंगा, अभी प्रैक्टिस करना है उसको बेनिफिट होगा, ठीक है, चलो वेरी गुड नाइस एक्टिविटी, ठीक है चलो ग्रेट। तो आपका एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस सर थोड़ा मार्केट तो इस वीक भी अनप्रेडिक्टेबल रहा था, हां और मैं जो ट्रेड लेने में थोड़ा हार्ड हो पा रहा था क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता था मोस्टली, और डिसीजन भी मेरा भी नहीं हो पा रहा था मोस्टली कैश मार्केट में, पर फिर भी जो जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आता था वही ट्रेड लेता था, इसलिए कम ले पाया और उसमें प्रॉफिट भी कम। ठीक है, अभी देखा जाए तो एक्सपीरियंस ये है कि आपका 10 लाख फंड जो है तो जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस बहुत प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होना भी आल्सो इज अ गुड ऑप्शन कि इस कंडीशन में लॉस भी नहीं किया, और स्विंग ट्रेड वोलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से मैंने अवॉइड किया। हां हां ठीक है, फिर इस बार कमोडिटी में भी नहीं कर पाया क्योंकि शाम को एग्जाम थी तो उसका पढ़ाई, ठीक है ठीक है। और इस बार जो सीखा सर वो इंडिया वीक्स और वो जो उसका कोरिलेशन है प्रीमियम का वो थोड़ा आईडिया है, वो थोड़ा अभी आईडिया है, ठीक है तो स्लोली स्लोली कुछ नॉलेज आपको गेन हो रहा है, सो दैट्स गुड पार्ट, वेरी गुड गुड बाय, वेरी गुड, थैंक यू। चलो नेक्स्ट बिरेन,
रेडी है या रविंद्र को बोलूं? सर रेडी भी कर दो। हाँ रविंद्र आप प्रेजेंट करो। यस सर। हाँ अप्रिन आपके पास रेडी है कुछ प्रेजेंटेशन के लिए? यस सर। ओके इसके बाद आप प्रेजेंट कर देना। इंडिया डे में 1 लाख का फंड मैनेज करा था, इसमें 80,000 यूज कर रहा हूं। अच्छा 1 लाख में 80,000 यूज फंड है, ठीक है ना? ओके okay. 60,000 सर कैश सर, 925 के बाद ट्रेड लेना है। हाँ निफ्टी के साथ स्टॉक पर ट्रेड मतलब कोरिलेट करना है। हाँ और मोस्टली ट्रेड सर ब्रेकआउट और एमटी दिया सर। ओके टोटल प्रॉफिट सर 14,830 था। हाँ जिसमें सर इक्विटी में 6,000 के समथिंग है और फ्यूचर ऑप्शन 1500 और कमोडिटी में 7,000 है। ओके ओवरऑल आपको टोटल देखा जाए तो प्रिंसिपल के ऊपर अराउंड 15% का ग्रोथ है, 1 लाख से ऊपर अगर देखा जाए तो। यस सर। हाँ सो आपको मल्टीपल वे में आप काम कर पाए अभी? यस सर। हाँ हाँ ठीक है वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट बताओ। सर इंडिकेटर में मैंने भी मूविंग एवरेज और वैसे ही को यूज करा है। हाँ इस वीक के ऊपर। हाँ और फंडामेंटल व्यू तो मनी कंट्रोल टेलीग्राम के उसके बेसिस पर। हाँ और स्टॉक सिलेक्शन सर मेरी जो वॉच लिस्ट है उसमें करता हूं मैं 95% तो वॉच लिस्ट बनाई उसके अंदर ही मेरे को ट्रेड ले जाते हैं। हाँ सर एक तो स्टॉप लॉस के साथ कंप्लीट वर्क करना है। हाँ 3 बजे से पहले टर्मिनल नहीं छोड़ना है। हाँ और सर निफ्टी में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न के ऊपर ही ट्रेड लिया था इस बार। ओके चलो वेरी गुड गुड गोइंग रविंद्र, गुड बिग क्लैप टू मिस्टर रविंद्र, ठीक है। सो रविंद्र आपका जो है एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ कि पहले से कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और कहां कहां जो लूपहोल था नेगेटिविटी था उसको कैसे इम्प्रूव किया है लास्ट 1 वीक में? सर एक तो मैं पहले रेस्टो बहुत ज्यादा मूव हो गया उसके बाद ही ट्रेड ले रहा था कितनी बार में। हाँ और ओवर ट्रेडिंग भी कर रहा था। हाँ इस बार सर मैंने सोचा हुआ था कि 3 से 4 स्टॉक पे करूंगा, अगर वो स्टॉक पे लगे तो उसके बाद ट्रेड भी नहीं करूंगा। हाँ सिर्फ वॉच करूंगा। हाँ तो उसके साथ मेरा बेनिफिट तो हुआ है। ओके सो बेसिकली निफ्टी के साथ जो कोरिलेशन आपने बताया दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, आप उसको देख पा रहे हो अभी? यस सर। सो उससे बेनिफिट मिल रहा है ब्रेकआउट के साथ अगर निफ्टी कोरिलेट हो रहा है तो? यस सर बिल्कुल मिल रहा है। चलो ठीक है सभी लोगों के लिए है कि निफ्टी के साथ अगर स्टॉक में कर रहे हैं तो कोरिलेशन के साथ कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। चलो रविंद्र गुड गोइंग, आप इसको आगे का क्या टास्क है कमिंग वीक का? कमिंग वीक के क्या करोगे? इस वीक में सर 1 लाख का। हां इस वीक में सर 1 लाख का फंड मैनेज करूंगा। हां और इस वीक सर ऑप्शंस में ज्यादा फोकस करूंगा निफ्टी में। ठीक है तो अगली फ्राइडे को हम लोग रिव्यू करेंगे बट कॉन्टेस्ट पॉइंट ऑफ इस बार थोड़ा मेंटेनेंस करेंगे, फिर अगले बार फिर कॉन्टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे बट आपका रिकॉर्ड वो कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है? सो आपके लिए एवरी फ्राइडे हम लोग रिव्यू हमारा रहेगा बट एक बार हम लोग क्या है ना कॉन्टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे और एक बार क्या है ना हम मेंटेनेंस करके नया नया कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है? चलो गुड बॉय। चलो अपने स्क्रीन प्रेजेंट करो।
20,000 किया था और पर ट्रेड में यूज करने तो 40,000 में पर ट्रेड यूज कर रही थी। हाँ और उसमें मैंने 42 के लिए इस कॉन्टेस्ट में और जो एक टारगेट हिट नहीं हुए थे वो ट्रेड 7 है। हाँ फिर जो अल्फा बाय ट्रेड थे वो 28 है और अल्फा सेल ट्रेड है वो 14 है। हाँ और जो नेगेटिव ट्रेड है वो कौन है। ओके वेरी गुड। फर्स्ट डे मेरा प्रॉफिट 5,000 था और 12%। हाँ सेकंड डे 51,000 एंड 12.81% और थर्ड डे 2500 और 6.14%। हाँ एट डे 6300 और 15.17% एंड फाइनली 3100 और प्रॉफिट होना 7.9। थोड़ा सा ये बताओ 62% कैसे, टोटल फंड कितना है आप 70,000 है ना टोटल। हाँ तो 70,000 में आपने ट्रेड कर रहे हो ना 70,000 का, तो आप वो कैलकुलेशन मुझे लग रहा है 40 के ऊपर आप कर रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है तो हमें जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है एंड ऑफ द जो टोटल कैलकुलेशन जो प्रॉफिट को आप काउंट करो, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 24,000, तो 70,000 का 24,000 होगा। ठीक है हाँ तो अराउंड आप ये समझ सकते हो अराउंड 30% के आसपास, 32-33% के आसपास प्रॉफिट है आपका। 4.2 समझ में आ रहा है। हाँ सर एवरी स्टॉक में जो कर रहे हो वो प्रॉफिट ठीक है, बट आपका एंटायरली जो एंड ऑफ द डे जो आप देख रहे हो प्रॉफिट, आपका प्रिंसिपल कितना है 70,000 है। हाँ तो इंडिविजुअली कितना परसेंटेज है ठीक है, बट 70,000 के ऊपर आपने कर रहे हो तो 70,000 के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है एनीवे 70,000 के ऊपर 34% इज ए गुड अमाउंट है ना। सो आर यू हैप्पी, आज का ट्रेड दिखाओ या कल का ट्रेड दिखाओ। सब बाई किए थे आईसीएस डीएलएफ आदानी चोलो फाइनेंस आदानी ग्रीन एचडीएफसी जेएसडी इंडस्ट्रीज, तो सुबह सुबह सब हो गया था उसके बाद नहीं किया ऐसा है। आज फिर मतलब सर जैसे ही मेरा टारगेट ठीक हो जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगी। हां चलो ठीक है वेरी गुड। सो मेरे हिसाब से आपका अफरीन को जयेश को ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए है ना। सीख गया कि नहीं टर्मिनल सब। हाँ सीख गया। अच्छा चलो वेरी गुड। और अभी एक एक स्टॉक में ट्रेड लेना चालू कर दिया। हाँ सर अच्छे स्टार्ट कर दिया। चलो वेरी गुड वेरी गुड, कीप गोइंग, नाइस परफॉर्मेंस, वेरी गुड। ठीक है चलो, जो जो आपने किया है उसी को भूलना नहीं है, आपने जो किया है उसी फॉर्मूला में करते जाना है। ठीक है ठीक है। सो मम्मी पापा खुश हैं। हाँ सर। अभी पता चल रहा है आप फिर कुछ कर सकती है। हाँ सर अभी पता चल रहा है। चलो वेरी गुड, तो अभी शुरू करना है, स्लोली चलना है, एक एक स्टॉक में करना है, फिर जब तक आगे नहीं करेंगे फिर उसी हिसाब से करेंगे प्लान। ठीक है ओके चलो गुड। और कौन है। हाँ वीरेंद्र आज बियर बन गया है। हाँ चलो तो मार्केट में देखो समझ, सभी लोग अलग अलग सिस्टम में काम किए हैं, वीरेंद्र ने भी अपना सिस्टम में काम किया है, तो सभी का एक्सपीरियंस देखो, सबका पढ़ाई एक जैसा है, अप्रोच लेकिन अलग अलग है। कोई सिंग ट्रेड कैसा कर रहा है, कोई एक सेगमेंट में कर रहा है, कोई मल्टीपल सेगमेंट में कर रहा है। ठीक है
सो सबका प्लस माइनस सबका अलग अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, पर्सनालिटी अलग है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग है. सो दिस इज द प्रोसेस जहाँ पे हम लोग अपना कैपेबिलिटी को जज करेंगे. कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मॉड्यूल खत्म होने से खत्म हो जाता है कि पढ़ाई खत्म है, बट रियली जो है ना, जब रियल ट्रेड करोगे ना तब दिक्कत आएंगे. सो आपका टेम्परामेंट आप खुद नहीं जान पाते, आपका पर्सनैलिटी क्या नहीं जान पाते हो. सो हमें पता चलता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है और क्या करने से क्या फायदा होगा. इसीलिए मैं आपको साथ में बिठा के पहले बिना डिस्कशन किए आपका स्ट्रेटेजी, जैसे आपने बोला 15 मिनट ब्रेकआउट में आपका स्ट्रेटेजी, उसको घेरी नहीं करना है, उसी को मॉडिफाई करना है. सो देन ओनली योर स्ट्रेटेजी विल बी फ्रूटफुल. ठीक है. सो बीरेन का भी सेम है, वो अपने हिसाब से कर रहा है. अभी बीरेन बताओ. सर मैं अपना जो स्विंग ट्रेडिंग है उसका एक्सपीरियंस दिखाऊंगा. मैंने अराउंड 1 मंथ से शुरू किया है सर. लाइव में कर रहे हो? लाइव में शुरू कर रहा हूँ सर मैं. हाँ, हाँ. सर मेरे पास 50,000 फंड है, इसमें मैं अभी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, पर मैं इससे ज़्यादा डिफरेंट स्टॉक, अलग अलग सेगमेंट के स्टॉक से मैं थोड़ा स्विंग लेवल बाइंग कर रहा हूँ सर. स्ट्रेटेजी यूज मैंने चार्टिंग स्कीमर से, फंडामेंटल यूज से, सेक्टरल परफॉर्मेंस से मैं स्टॉक्स निकालता हूँ. टेक्निकल पैरामीटर होते हैं उसको लेवल से, और मैं मार्केट के सेंटीमेंट के साथ भी स्टॉक्स निकालता हूँ कि कौन से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और स्विंग के लिए किस तरह कर सकते हैं. और मैं डेली लेवल को मैं फॉलो करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए. इंडिकेटर्स में पिवट पॉइंट और स्विंग हाई लो दो यूज करता हूँ, और फंडामेंटल यूज की मनी कंट्रोल टेलीग्राम चैनल यूज करता हूँ. हिट मैप से मैं डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट सेक्टरल परफॉर्मेंस से मैं स्टॉक्स निकालता हूँ. कौन से सेक्टर वीक है तो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ उस तरह. एक्सपीरियंस सर इसमें मेरा ये है कि मैंने अपना स्ट्रेंथ स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह उसको यूज कर सकता हूँ, और डिफरेंट सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन से हम किस तरह हर तरह के मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट गेंस की डेली हम देखते हैं कि डेली हर कुछ सेक्टर वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं. हर दिन अलग अलग सेक्टर का परफॉर्मेंस अलग अलग रहता है. तो हम पूरे हमारे स्विंग को डाइवर्सिफाई करके हम डेली उसका फायदा उठा सकते हैं. और देन सर थोड़ा एक्सेल दिखाना चाहूँगा. सर ये मेरा है, ये जो भी देख रहे हैं आप नीचे नेट इन्वेस्टमेंट कितना है वो है. टोटल इतनी स्क्रिप्ट मैंने यूज की है, और मैं डेली उसको मार्केट जिस तरह देख रहे हैं कि मैंने 4 तारीख से डेटा शुरू किया लेना, और डेली M2M में कितना उतार चढ़ाव होता है, ऊपर नीचे कितना, और उसका साफ रेशो किस तरह होता है वो थोड़ा मैंने डेटा रखा है यहाँ पे. और अभी का आज के क्लोजिंग प्राइस तक का मेरा आज का M2M है 710, और मेरे पास अभी भी 30,000 की ओपन पोजीशन पड़ी हुई है. और इस तरह मैंने डिफरेंट हर अब मैं लेवल बाइंग करता हूँ, एक साथ नहीं क्वान्टिटी फिक्स करके अलग अलग लेवल पे बाय, और उसको जैसे ऊपर जाती है वो सेल करता हूँ. इस तरह मैंने हर तरह के सेगमेंट में. जैसे टाटा मोटर का बताओ, कैसे कब एंट्री किया, कब टाटा मोटर जिस तरह देख सकते कि जब मार्केट गया तब 400 पे मैंने एंट्री किया था. चार्ट दिखाओ. हाँ चार्ट दिखाओ. ये टाटा मोटर है, ये मैंने जहाँ पे मार्क किया वहाँ पे उस लेवल की प्राइस की मेरे पास एंट्रियाँ पड़ी हुई है. जैसे आप देख सकते सबसे ऊपर की 480 के प्राइस की भी एंट्री है मेरे पास. तीन स्टॉक है यहाँ पे, मैंने एवरेज किया था 6 स्टॉक है. उस तरह ये 400 के लेवल की एंट्री थी मेरे पास जब मार्केट बहुत गिरा था. तब मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे 422 पे आया तो उसका हम देखते हैं कितना निकलता है परसेंटेज के हिसाब से. अराउंड 5.6% निकला था उस तक मुझे, तो मैंने उसको बेच दिया. मतलब कि लेवल प्ले करता हूँ मैं, जिसे मार्केट गिरता है तो डिफरेंट लेवल सपोर्ट पे मैं बाई करता हूँ, और जिस तरह मार्केट रिट्रेस करता है उस तरह मैं सेल करता हूँ. उस तरह मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं वो उस तरह में प्लान करता हूँ ग्रेड को. और मैंने हर तरह की हर सेगमेंट के स्टॉक लिए, पावर, इंफ्रा, टेक्सटाइल, बैंकिंग सेक्टर, मीडिया, हर सेक्टर के अच्छे अच्छे फंडामेंटली चेक किए हुए सब स्टॉक है. सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. उसके हिसाब से अभी ऐसा देख सकते थे जैसे छोटा म्यूचुअल फंड की तरह मैं अभी वर्क कर रहा हूँ. ठीक है. सो अभी आपका जो रवि साहब आपको और वीरन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, हनी समझ में आ रहा है, ठीक है. तो सभी लोगों के लिए ये है कि आपके पास देखो अभी स्विंग में भी जो करते हैं, जरूरी नहीं कि हम सभी काम करें. ये काम के लिए डेली बहुत फास्ट एक्शन की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से भी चलेगा. सो ये कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपका फंड आपको ट्रैप नहीं होगा किसी में, और मल्टीपल वे में हम धीरे 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 और डेली कुछ ना कुछ ट्रेड होता रहेगा, एंट्री एग्जिट होता रहेगा.
ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला के साथ हम लोग प्लान भी करेंगे, साथ साथ अपना स्ट्रेटेजी कर रहे हो, अपना अलग अलग डाइवर्सिफाई सेगमेंट जो कर रहे हो वो भी चलता रहेगा, ठीक है। सो गुड बाय बिरेन, गुड बाय टू चलो ठीक है। सो दिस इज द एक्सपीरियंस। सो नेक्स्ट वीक के लिए आपका जो प्लान है और आपका जो रिव्यू, जो पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन की क्या काम करना है, कितना आगे क्या करना है, ठीक है ना, वो सभी चीजें आपके पास आना चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ इसको जो कंक्लूड करते हैं, फिर वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एवरी फ्राइडे जो है हमारा एक्टिविटी सेम चालू रहेगा, ठीक है। चलो विशिंग ऑल द बेस्ट। पहले तो मेरा दिमाग आ रहा है फ्राइडे को करना क्या है, कुछ ऑप्शन बाइंग सेलिंग में।